हेलो स्टूडेंट्स, हेयर आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 10, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के लास्ट 2 लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं जेनेटिक्स क्या होती है, थोड़ा बहुत आइडिया हमने लिया था, और हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस हमने पढ़ा, वेरिएशन, टाइप्स ऑफ वेरिएशन एंड सोमेटिक वेरिएशन एंड जर्मिनल वेरिएशन हमने पढ़ा था, सिग्निफिकेंस वेरिएशन के हमने जाने, और जेनेटिक वोकेबुलरी जिसमें जीन, क्रोमोसोम्स, एलील, जीन लोकस, डोमिनेंट एलील, रेसेसिव एलील, होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म एंड हेटरोजाइगस ऑर्गेनिज्म, जीनोटाइप, फिनोटाइप की हमने बात करी थी। और जो लास्ट लेक्चर था वो हमने स्टार्ट किया था मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट से, है ना। मेंडल के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना था। और इसके हमने दो चीज़ें हमने करी थी कि मेंडल ने जो एक क्रॉस किया था ये शो करने के लिए कि कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने पी प्लांट को अपने गार्डन में लगाया था और उसमें उन्होंने फिर स्टडी करी थी जनरेशन टू जनरेशन, बहुत सारी जनरेशन में उसकी स्टडी मेंडल ने करी थी, और तब जाके कहीं उन्हें रिजल्ट मिला कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं और उनको ले जाने वाले कुछ फैक्टर प्रेजेंट रहते हैं पेरेंट्स की बॉडी में, और पेरेंट्स की बॉडी से वो फैक्टर चल के बच्चे की यानी कि ऑफस्प्रिंग की बॉडी में जाते हैं और अगले जनरेशन में उस ऑफस्प्रिंग की बॉडी में जाके वो खुद को शो करने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं, ऐसा मेंडल ने अपने जो रिजल्ट था उसमें निकाला था। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मीनिंग था एक कैरेक्टर को लेके कोई भी क्रॉस कराना। तो मेंडल ने एक कैरेक्टर लिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए जिसे हमने हाइट बोला, ठीक है, हाइट के बेसिस पे मेंडल ने एक क्रॉस लिया था, एक क्रॉस कराया था प्लांट की हाइट, यानी कि जो पी प्लांट था, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सटाइवम, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि कभी कभी फिलअप्स में आपका ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पाइसम सटाइवम या पी का साइंटिफिक नेम क्या है और कितने ट्रेड्स लिए थे, 7 ट्रेड्स पी प्लांट के उन्होंने लिए थे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या लिया था, हाइट को लिया था, जहाँ पे उन्होंने दो प्योर टॉल और कैपिटल, मतलब कि जो डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट और रेसेसिव, अगर आपको फिनोमिना समझ में नहीं आया तो आपको एक भी लॉ समझ में नहीं आएगा, एक भी एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आएगा। तो डोमिनेंट वो कैरेक्टर होता है जो खुद को शो करता है, हर हाल में खुद को शो करेगा, यानी कि अगर मैं ये मानू ना कि कर्ली हेयर और स्ट्रेट हेयर में जो स्ट्रेट हेयर होता है वो डोमिनेंट होता है और जो कर्ली हेयर होता है वो रेसेसिव होता है, तो अगर ये डोमिनेंट वाला है तो मतलब कि अगर डोमिनेंट वाली जीन उसके पास प्रेजेंट है ना, तो वो हमेशा स्ट्रेट हेयर वाले ही बाल होंगे, और अगर रेसेसिव कंडीशन आ रही है, रेसेसिव कंडीशन वो कंडीशन होती है जो डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस में खुद को शो नहीं कर पाती है, लेकिन अगर उसके दोनों के दोनों जीन रेसेसिव ही होंगे तो वो हमेशा खुद को शो करेगा, ठीक है। डोमिनेंट तो हर हाल में शो करने वाला है, भले वो होमोजाइगस कंडीशन में हो या हेटरोजाइगस कंडीशन में हो। तो जैसे अगर हम प्लांट की हाइट के बेसिस पे बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि ये टॉल होता है जिसको हम डोमिनेंट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और जो रेसेसिव होता है उसे स्मॉल लेटर से दिखाते हैं ताकि हम उसे ईजिली पहचान सकें, ठीक है। ऐसा कोई रूल वो नहीं है लेकिन ईजिली हम उसे आइडेंटिफाई कर पाए, तो इसको हमने बोल दिया ड्वार्फ। तो अब ड्वार्फ कोई भी ड्वार्फ तब होगा ना, कोई भी या कोई भी प्लांट ड्वार्फ तब होगा जब उसके पास ये दोनों ही टी टी वाले कैरेक्टर हो, लेकिन डोमिनेंट वो इस कंडीशन में भी हो सकता है और इस कंडीशन में भी हो सकता है, इन दोनों ही कंडीशन में वो टॉल हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक यही कंडीशन है जहां पे वो शॉर्ट होगा या ड्वार्फ होगा, ठीक है। हालांकि इसके पास भी ड्वार्फ वाली जीन है लेकिन ये क्या है, ये रेसेसिव है और ये है डोमिनेंट, तो वो जब तक इसके पास डोमिनेंट प्रेजेंट है वो कभी अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ये इसके कैरेक्टर को चेक कर देता है या इसके कैरेक्टर को ब्लॉक कर देता है रेसेसिव वाले के, ठीक है। तो इसीलिए कुछ डिजीज होती है ना, क्रोमोसोम और जीन की वजह से होने वाली जो डिजीज होती है, जो रेसेसिव होती है, वो ऐसी होती है जो कि अगर इस कंडीशन में है तो वो खुद को शो नहीं कर पाएंगे, ये बहुत अच्छा होता है। डोमिनेंट जो डिजीज होती है वो ज्यादा डेंजरस होती है क्योंकि वो हर हाल में खुद को शो करती है, लेकिन रेसेसिव के लिए कंडीशन है कि जब उसके पास दोनों जीन रेसेसिव वाली होंगी तभी वो खुद को शो कर पाएंगे। तो मेंडल ने एक क्रॉस किया था जहां पे उन्होंने जानने की कोशिश की थी कि कैसे ट्रेट्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब उन्होंने कराया था तो उनको क्या रिजल्ट मिला था, उन्होंने देखा था कि फर्स्ट जनरेशन में टी 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 कुछ इस तरीके से उन्हें प्लांट मिले थे, मतलब कि फर्स्ट इसको FN जनरेशन उन्होंने कहा, सारे के सारे उन्हें टॉल ही मिले थे, ठीक है, सारे के सारे टॉल प्लांट उन्हें मिले थे। तो वो सरप्राइज हो गए थे, वो उनको एक झटका सा लगा था कि अगर मतलब कि
दिखने में पेरेंट्स के जैसे हैं, सारी चीज़ें सेम है, लेकिन अगर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैंने एक हाइट को लेके एक्सपेरिमेंट किया तो वो तो मेरा गलत हो गया, एक शौक उन्हें लगा, क्योंकि क्रॉस किस किस के बीच में कराया था, क्रॉस टॉल के बीच में और ड्वाफ के बीच में कराया था, तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं ड्वाफ के कैरेक्टर भी तो आने चाहिए ना, अगर ये मेल है फीमेल है, तो उन्हें लगा कि क्या मेल ही मेल के कैरेक्टर उसमें आए, या ये फीमेल है ये मेल है, तो क्या फीमेल ही फीमेल के कैरेक्टर उसमें आए, तो दूसरे पेरेंट के कैरेक्टर का क्या, दूसरे पेरेंट के कैरेक्टर्स कहाँ जाएंगे, ये उन्होंने सोचा, ठीक है। तो उसके बाद हुआ क्या, उन्होंने ना इसी FN जनरेशन में ही फिर वापस से क्रॉस करा दिया, मीन्स किसका, इसी के ऑफस्प्रिंग का, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी क्रॉस टुगेदर। जब इनका क्रॉस कराया तो जो थर्ड जनरेशन इन्होंने, सॉरी जो सेकंड जनरेशन इन्होंने देखी, ये फर्स्ट जनरेशन जो प्रोजेनी है वो उनकी फर्स्ट जनरेशन होगी, और दूसरी जब इनके बीच में, इन्हीं ऑफस्प्रिंग के बीच में क्रॉस कराया जाएगा, तो जो ऑफस्प्रिंग मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, F2 जनरेशन और फाइलियल जनरेशन इसे कहा जाता है, F1 और F2 जनरेशन, अगर थर्ड होगी तो फिर F3 जनरेशन, तो F2 जनरेशन हमें मिलेगी जब इनके बीच में क्रॉस कराया। अब जब इनके बीच में क्रॉस कराया तो जो रिजल्ट था वो कुछ इस तरीके से मिला था। देखिए कैसे हम गैमेट्स बनाते हैं या कैसे हम पता लगाते हैं, तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है ना, जैसे वही फिर मैथ्स का हमने जो 2a+b वाला हमने पढ़ा था कि 2a से भी मल्टीप्लाई होगा और 2b से भी मल्टीप्लाई होगा, 2a+2b हम कुछ इस तरीके से जो करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये टी एक बार इससे जाके हो सकता है, ये हम ना कंडीशंस करते हैं कि हो सकता है कि देखो जब ये कुछ ऐसा होगा ना तो इसके गैमेट क्या बनेंगे, टी बनेंगे, लेकिन जरूरी थोड़ी है कैपिटल टी बने, किसी टाइम पे ये भी तो बन सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना है यही बने, तो ऐसे ही इसमें भी होगा, हो सकता है एक बार के लिए टी बना और दूसरी बार वो टी बना, तो अगर यहाँ से टी आया, यहाँ से भी टी आया, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी बन जाएगा, और यहाँ से कैपिटल टी आया, यहाँ से स्मॉल टी आया, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, यहाँ से स्मॉल टी आया, यहाँ से कैपिटल टी आया, तो तब भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ से स्मॉल टी आया, यहाँ से भी स्मॉल टी आया, तो क्या बन जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये इसकी क्या मिली इसको, F2 जनरेशन, किसको, मैंडल को इनकी इनकी F2 जनरेशन मिली, और F2 जनरेशन में उनके लिए एक थोड़ा सा क्या कहेंगे हम, एक राहत उन्होंने ली कि चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ तो मिला मुझे, एक ही भले एक ही ड्वार्फ मिला है, लेकिन उस पेरेंट का कैरेक्टर जो पिछले से पिछले जनरेशन का था वो कैरेक्टर तो मिला। अब देखो अगर ये एक्सपेरिमेंट अगर मैंडल किसी ह्यूमन पे करते तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाते, कभी नहीं हो पाते, क्योंकि ये मान लो आपके ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर हैं, ये जनरेशन आपके फादर और मदर की है और ये जनरेशन आप वाली है, तो कितना इतने साल क्या वो जी पाते, मेंडल नहीं जी पाते ना, इसीलिए उन ऑर्गेनिजम्स को या उन प्लांट्स को लिया जाता है जिनकी शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, ह्यूमन बींग की तो लंबी होती है ना लाइफ साइकिल, तो इनकी शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है पी प्लांट की, इसलिए इसको लिया गया, और एक ही बार में उन्होंने 3 जनरेशन की स्टडी कर दी, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा हुआ, 1-1.5 साल के आसपास 3 जनरेशन की इनकी इन्होंने स्टडी कर ली थी, साथ ही साथ बाकियों के साथ भी कर रहे थे, तो बहुत सारा इनको रिजल्ट मिला, और हर बार इन्होंने देखा कि जो फिनोटिपिक, अच्छा फिनोटिपिक हमने पढ़ा था फिजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे हम बोलते हैं, जीनोटिपिक जीन के बेसिस पे, तो फिनोटिपिक रेशियो तो मिल गया था 3:1, जहाँ पे अब देखो ये भी टॉल था, ये भी टॉल था, और ये भी टॉल था, और ये था ड्वार्फ, तो 3:1 हो गया ना, 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ। अब नाउ अगर हम करें कि जीनोटिपिक रेशियो की अगर हम बात करें, तो यानी कि जीन से रिलेटेड है ना, तो देखिए कैपिटल टी कितने हैं हमारे पास, यानी कि कैपिटल टी को आप क्या बोल सकते हैं, होमोजाइगस ट्रॉल बोल सकते हैं, होमोजाइगस मीन्स होमो मीन्स सेम होता है, तो दोनों ही कैपिटल ई टी है, और साथ ही साथ से प्योर टॉल भी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी दूसरा एलील या दूसरी जीन इस पे नहीं है, तो दोनों ही डोमिनेंट जीन है, तो टॉल ये क्या हो जाएगा, प्योर टॉल। दूसरा देखिए यहाँ पे हेटरोजाइगस ट्रॉल ये है, यानी कि इसके पास कैपिटल टी डोमिनेंट और रेसेसिव एलील, डोमिनेंट एज वेल एज रेसेसिव एलील दोनों ही इनके पास प्रेजेंट है, तो लेकिन शो क्या करेगा, टॉलनेस ही शो करेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास डोमिनेंट एलील है, यही अपना कैरेक्टर शो करेगी, इसको शो ही नहीं करने देगा। ऐसे ही यहाँ पे भी हमने देखा ये भी टॉल है, और नेक्स्ट मिला हमें ड्वार्फ। तो अब देखो कैपिटल टी कितने थे, 1, कैपिटल टी 1, स्मॉल टी कितने हैं, 2, और एक 1 स्मॉल टी, सेकंड भी स्मॉल टी कितने हैं, 1, तो जो जीनोटिपिक रेशियो आया वो 1:2, 1:1, फिनोटिपिक रेशियो जो आया 3:1। यहाँ से मेंडल ने कंक्लूजन निकाला कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते ही आते हैं, भले ही वो किसी जनरेशन में खुद को रिप्रेजेंट ना कर पाएं, लेकिन अगली जनरेशन में वो खुद को रिप्रेजेंट करते ही करते हैं, इसका मतलब एक उन्होंने कहा कि कुछ है ऐसा, कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो कि आ रहे हैं बच्चों, पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर आते ही आते हैं, एक
इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस वर्ड इन्होंने यहाँ पे बताया कि इनहेरिटेंस तो होती ही होती है. अब फैक्टर्स क्या थे वो उन्हें पता नहीं थे, ठीक है. तो आगे जाके इन्हीं फैक्टर्स को जीन के नाम से जाना गया, जीन इन्हें कहा गया. तो इसी के बेसिस पे मेंडल ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस. जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया ना तो इनको एक लॉ समझ में आया जिसको इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा, जहाँ पे ये बताया गया कि जो डोमिनेंट एलील होता है खुद को रिप्रेजेंट करता है, उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो खुद को रिप्रेजेंट करे, या डोमिनेंट फैक्टर जो होता है जिसे कि हम जीन बोलेंगे अब, उसके पास कैपेसिटी होती है कि उसके पास प्रेजेंट जो रेसेसिव वाला है ना उसके इफेक्ट को शो ही ना होने दे. ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है जो खुद को शो करता है. और उन्होंने कहा कि जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसे हम रेसेसिव फैक्टर बोल देंगे. यहीं से उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उन्होंने कहा गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ही, यानी कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस या ओजेनेसिस या जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसी टाइम पे पेरेंट्स की बॉडी से ये क्या हो जाता है, गैमेट सेपरेट हो जाते हैं. और सेपरेट होने के बाद अलग अलग प्योर कैरेक्टर को देते हैं, ब्लेंडिंग उनकी नहीं होती है. ब्लेंडिंग मीन्स मिक्सचर या मिक्स नहीं होता. उन्होंने कहा कि या तो टॉल ही होगा या शॉर्ट ही होगा, आप ऐसा नहीं बोलोगे कि इंटरमीडिएट हाइट है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, ऐसा मेंडल ने कहा था, ठीक है. आज हमने पढ़ना है ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था ना, मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने जहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर को लिया था. आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस. तो मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या था ना, सेम ऐसा ही था क्रॉस, उन्होंने ऐसे ही किया. पहली जनरेशन पे, मतलब पहले पेरेंटल जनरेशन के बीच में क्रॉस कराया, उनके ऑफस्प्रिंग मिले F1 जनरेशन में, फिर उनके बीच में क्रॉस कराया, F2 जनरेशन उनको मिल गई. लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर ले लिए गए दो. अब देखिए यहाँ पे तो हमने हाइट एक ट्रेट लिया था और हाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया था, फर्स्ट वन इज टॉलनेस, सेकेंड वन इज ड्वार्फनेस में. लेकिन अब यहाँ पे यहाँ अगर हम दो कैरेक्टर लेंगे तो दो ट्रेट लेंगे तो टाइप कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ना. क्यों? क्योंकि दो एक के होंगे. मैं बताती हूं आपको, कंफ्यूज नहीं होना है. तो देखिए मेंडल ने क्या किया ना, एक पी प्लांट लिया, मतलब कि हालांकि कैरेक्टर तो सभी जा रहे थे लेकिन हम चेक कर रहे थे, मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो बहुत सारे कैरेक्टर को एक साथ नहीं चेक कर सकते थे ना, इसलिए एक बार 1 को किया, फिर अगली बार 2 को, फिर अगली बार 3 को, 4 को, ऐसे फिर 7 कैरेक्टर को एक साथ लेके भी इन्होंने देखा था. तो हम जो पढ़ते हैं डायहाइब्रिड तक ही पढ़ते हैं, तो दो कैरेक्टर वाला हम पढ़ते हैं. तो इस एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने क्रॉस कराया एक पी प्लांट का, जिसका शीड जो था राउंड और रिंकल के बेसिस पे था, और येल्लो कॉटिलीडन इन्होंने लिया था पी प्लांट के साथ, ठीक है. तो चलिए इन्होंने क्या लिया था ना, एक तो कलर के बेसिस पे, दूसरा शेप के बेसिस पे. हो गए ना दो कैरेक्टर का, एक कलर है दूसरा शेप है. अब कलर भी तो दो टाइप के होंगे ना, ऐसा थोड़ी कि हम दो कैरेक्टर पढ़ रहे हैं तो इन दोनों में ही कराएंगे, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है. इस कलर भी दो टाइप के होंगे. कलर में उन्होंने कौन सा किया, येल्लो, एक येल्लो कलर का था और एक ग्रीन कलर का था. और शेप कैसा था, एक सीड, ये सीड उन्होंने लिया था, ठीक है. सीड में उसी सीड का कलर, एक सीड का कलर येलो था, एक सीड का कलर ग्रीन था, और एक सीड का शेप क्या था, राउंड था, एक सीड का कलर रिंकल था. ठीक वैसे ही जैसे हमने हाइट एक कैरेक्टर लिया, उसके दो पार्ट थे, एक टॉल और एक ड्वार्फ, तो वैसे ही एक कलर है, कलर में दो पार्ट है, एक सीड क्या कर रहा है, येलो कलर को शो कर रहा है, उसी का एक शेड ग्रीन कलर को शो कर रहा है, एक शेड राउंड शो कर रहा है, एक साइड रिंकल शो कर रहा है, ठीक है. तो इन दिस एक्सपेरिमेंट मेंडल क्रॉस्ड अ पी प्लांट हैविंग राउंड सीड एंड येलो कॉटिलीडेंस. तो उन्होंने क्रॉस कराया जिसके पास सीड तो राउंड है, राउंड सीड का येलो कॉटिलीडन, यानी कि एक ऐसा सीड जो कि राउंड कलर का है और सॉरी राउंड शेप का है और येलो कलर का है, ठीक है, राउंड शेप एंड येलो कलर, इसके बीच में कराया कॉटिलीडन विथ पी प्लांट हैविंग रिंकल सीड. किसके साथ इसका क्रॉस कराया, इसका क्रॉस कराया वो पी प्लांट जिसका रिंकल शेप है, रिंकल शेप एंड ग्रीन कलर. अब आया ना समझ में, राउंड शेप येलो कलर का एक बीज था पी प्लांट का, और ऐसे ही रिंकल शेप और ग्रीन कलर का एक बीज था, उनके बीच में इन्होंने क्रॉस कराया. जब इनके बीच में क्रॉस कराया तो फिर इन्होंने F1 जनरेशन में देखा, और F1 जनरेशन में जो इनको रिजल्ट मिला ना, इन्होंने देखा कि सभी के सभी राउंड सीड और येलो कॉटिलीडन वाले हैं. तो यहाँ से एक आइडिया आप लगा सकते हो, राउंड इसका मतलब हमेशा डोमिनेंट होता होगा और राउंड के साथ येल्लो भी डोमिनेंट होता होगा, कुछ ऐसा आइडिया यहाँ पे मिला, ठीक है. ये तो हम ऐसे बोल रहे हैं, अभी करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को. और उसके बाद
फिर वही बात आ गई, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की ही जैसी बात आ गई थी, तो एफ एन प्लांट के जो पॉलिनेशन कराया गया, फिर एफ एन जनरेशन में जो मिले उनका पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, तो वहाँ पे जो अगली जनरेशन में जो मिला था वो रेशियो मिला था 9:3:1 मिला था, ठीक है, ये जो रेशियो मिला था, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिसेम्बल था इसी की तरह, क्योंकि तो जो रेशियो मिल रहा था वो बिल्कुल सही इनको मिल रहा था 2 के साथ, क्योंकि 2 करा रखे तो अब 9:3:1 इसमें मिलेगा, ठीक है, 2 के साथ कराने पे। तो अब इन्होंने क्या किया, चलिए एक्सपेरिमेंट करके ही और देखते हैं, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पेरेंटियल जनरेशन जो हमारी होगी, पेरेंटियल जेनरेशन, पेरेंटियल जेनरेशन हमने क्या लिया था, हमने कहा कि राउंड शीट विथ येलो कलर, ना राउंड शीट को हमने कैपिटल आर और कैपिटल आर से डिनोट कर दिया, एंड येलो कलर को हमने कैपिटल वाई से डिनोट कर दिया। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं राउंड येलो, आप इसे लिख लीजिए, येलो के लिए हमने वाई वाई और राउंड के लिए हमने ये ले लिया। अब देखिए इसका क्रॉस हमने कराया किसके साथ, राउंड के अपोजिट कौन सा लिया था हमने, रिंकल, तो रिंकल एंड ग्रीन कलर। तो अब आप कहोगे कि रिंकल के लिए मैम डब्ल्यू डब्ल्यू ले लो और इसके लिए क्या ले लो, ग्रीन के लिए जी जी ले लो, तो फिर कहाँ हमें पता चलेगा, हमें तो पता ही नहीं चलेगा ना। और क्योंकि ये डोमिनेंट जो भी होगा, डोमिनेंट रिसेसिव जो भी होगा, तो अगर हमने दो इनको इन दोनों को कैपिटल ले लिया तो दूसरे को स्मॉल ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, तो ये क्या हो जाएगा, रिंकल ग्रीन। एक शीट है जो कि राउंड कलर का है, सॉरी राउंड शेप का है और येलो कलर का है, दूसरा शीट है जो रिंकल्ड है और ग्रीन है, ये मान लो ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया, तो सबसे पहले तो इसके गैमेट क्या बनेंगे बेटा, देखो गैमेट्स इसके बनेंगे आर वाई और ये इसके साथ, दो ही हम बना रहे हैं, ठीक है, दोनों ही दिखा रहे हैं, आर वाई, ऐसे ही यहाँ पे भी क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ऐसे ही तो बनेगा ना, और भी बन सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हम दो ही दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसकी जो एफ एन जनरेशन होगी ना, जब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन गैमेट्स के बीच में ही तो क्रॉस होगा, तो जब इन दोनों के बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलता है पता है, देखो आर, अब R का R के साथ ही होगा, R का Y के साथ कभी नहीं होगा, क्योंकि R क्या है, राउंड है, Y क्या है, येल्लो है, R क्या है, रिंकल्ड है, और Y क्या है, ग्रीन है। तो कभी भी भले ही कैपिटल R हो या स्मॉल R हो, वो कैपिटल Y या स्मॉल Y में नहीं क्रॉस करेगा, वो जो कैरेक्टर मतलब कि राउंड वाला रिंकल के साथ ही तो करेगा ना, मतलब कि एक कैरेक्टर एक ही के साथ तो क्रॉस करेगा, दूसरे के साथ कैसे कर देगा वो, मतलब कि अगर बाल वाला जीन है तो वो दूसरे बाल वाले जीन के साथ ही रिएक्ट करेगा, आंखों वाले के साथ थोड़ी ना कर जाएगा, या बॉडी कलर के साथ थोड़ी ना कर जाएगा, हेयर का स्ट्रेट होना या कर्ली होना बॉडी कलर पे थोड़ी ना इफेक्ट डालेगा ना, बस वही है। तो आपने क्या करना है, ये आर किससे जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आर आर है ना। अब इसी के साथ वाई के लिए भी कीजिए, वाई वाई यानी कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे दूसरे के साथ करेंगे तब भी आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर किया ऐसे किया था, अब फिर से कर दीजिए तो तब भी आपको यही मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई, हम चार दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये थी इसकी क्या, फर्स्ट जनरेशन। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अभी तक थोड़ा सा इजी चल रहा था, क्योंकि एक ही कैरेक्टर को लिया था ना, यहाँ पे थोड़ा सा शायद आप लोगों के लिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाए, क्योंकि हम दो कैरेक्टर ले रहे हैं बेटा, बस इतना ध्यान रखिए, बाकी सारी चीज़ें मोनोहाइब्रिड जैसी ही हैं, बस ध्यान इतना रखिए कि दो कैरेक्टर लिए हैं, दो कैरेक्टर कौन से, एक तो राउंड दूसरा येल्लो, ठीक है, मतलब कि एक तो शेप हमने लिया है दूसरा हमने कलर लिया है, तो शेप एक कैरेक्टर है,
कलर दूसरा कैरेक्टर है, शेप को दो पार्ट में, दो पार्ट के शेप, दो टाइप के शेप हैं, एक राउंड है दूसरा रिंकल है, ठीक है। अगर हम इसको एक ही कैरेक्टर करते तो शेप लेते तो राउंड रिंकल तो लेते ना, इनके बीच में तो क्रॉस कराते, ऐसे अगर कलर लेते तो एक येलो एक ग्रीन लेते, अकेले थोड़ी ना करा लेते क्रॉस, है ना। तो वही है, अब दो कैरेक्टर को लेके जा रहे हैं, तो दो कैरेक्टर की हम यहाँ पे बात करेंगे, शेप के साथ साथ हम कलर की भी बात को आगे करते हुए जाएंगे। तो जब मैंडल ने फर्स्ट जनरेशन का क्रॉस कराया तो सेम रिजल्ट जैसे उनको हाइट के लिए कराते हुए रिजल्ट मिला था ना, हाइट में जब उन्होंने कराया था, मतलब कि हाइट के लिए जब उन्होंने क्रॉस कराया था, तो उनको क्या रिजल्ट मिला था, ये कि F1 जनरेशन में सभी के सभी टॉल मिले थे। इट मींस ये तो हुआ ना कि F1 जनरेशन में सभी का सभी डोमिनेंट शो हुआ था। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या शो होगा, अब देखो कैपिटल R और स्मॉल R है, जहां जहां कैपिटल होगा, ये दोनों R है तो R ही ना, मतलब कि अगर मैं बोलूँ तो ये आर भी रेड ही रिप्रेजेंट करेगा, ये आर भी रेड ही बोलेंगे, मतलब आर फॉर रेड अगर आप पढ़ते हो तो स्मॉल लेटर में जब आप पढ़ोगे तब भी रेड पढ़ते हो, कैपिटल में पढ़ोगे तब भी रेड पढ़ते हो, तो है तो एक ही चीज़ का, एक ही कैरेक्टर का है ना, वो कलर के लिए तो राउंड और रिंकल के लिए तो बोल रहे हैं। तो अब ये क्या करेगा, कैपिटल आर है तो ये कौन सा कलर शो करेगा, कैपिटल आर किसको शो करता है, सॉरी कौन से शेप को शो करेगा, राउंड को, तो ये क्या हो जाएगा राउंड, ठीक है, ये तो राउंड हो रहा है। दूसरा कैरेक्टर क्या है हमारे पास, येलो या ग्रीन, तो अब कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई कौन से कलर को शो कर रहा है, कैपिटल वाई येलो को शो कर रहा है, यानी कि ये क्या बन गया राउंड येलो। ऐसे ही यहाँ पे भी वही है कंडीशन, तो ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, राउंड येलो, यही तो शो हो रहा है ना, हर जनरेशन में डोमिनेंसी ही शो हो रही है। यहाँ पे एक कैपिटल, अब जहां जहां पे कैपिटल होगा वही शो करेगा, मीन्स कि कैपिटल आर जहां पे होगा राउंड, कैपिटल वाई जहां होगा येलो, ठीक है। मतलब कि अभी ना ही हमें रिंकल दिखा ना ही ग्रीन दिखा, कि वही वाला केस हो गया कि फर्स्ट जनरेशन में सभी के सभी टॉल मिले थे। हालांकि अब मेंडल शॉक नहीं हुए क्योंकि वो एक क्रॉस कर चुके थे, वो देख चुके थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हुए, कि उन्होंने देखा कि नेक्स्ट जनरेशन में F2 जनरेशन में कहीं ना कहीं कैरेक्टर अराइज हो जाते हैं, ठीक है। अब उन्होंने फिर वही किया जो उन्होंने वहां पर किया था फर्स्ट जनरेशन में, क्या इनके ही बीच में, इसी के दो ऑफस्प्रिंग के बीच में क्रॉस करा दिया। मतलब कि उन्होंने किस किस के बीच में कराया, आर आर वाई वाई का क्रॉस करा दिया आर आर वाई वाई के साथ, ठीक है। अब देखो अगर हम ऐसे क्रॉस करते रहे तो हमारा होगा नहीं जैसे हमने वहां किया था, ले अब यहां में जरूरत किसकी पड़ेगी, पुनेट की जरूरत पड़ेगी, पुनेट स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। पुनेट स्क्वायर से भी पहले हमें क्या करना होगा, हमें इसके गैमेट बनाने होंगे। अब गैमेट बनाने थोड़े से आपको आने चाहिए, ठीक है। तो गैमेट क्या बनेंगे, आर वाई सॉरी आर वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसके गैमेट तो ये बन गए कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल आर, ये दोनों बने, फिर ये दोनों बने, फिर कैपिटल स्मॉल, और फिर उसके बाद क्या बने, तो यहाँ पे होगा कैपिटल वाई, ठीक है। जैसे क्या बना, कैपिटल आर का गैमेट अब बन रहे हैं, दो कैरेक्टर आएंगे ना। अब होता क्या है, आर और आर में से एक ही तो आ पाएगा, मान लो कि पहले कैपिटल आर आया, और ऐसे ही वाई और वाई में से एक ही तो आ पाएगा ना, तो मान लो कैपिटल वाई आ गया, तो आर और कैपिटल वाई हो गया, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन में हमने माना कि कैपिटल आर तो आया, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ गया, तो इसमें हमने क्या लिख दिया, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर थर्ड केस में एक एक ऑफस्प्रिंग ऐसा था जो स्मॉल आर के साथ आया और स्मॉल वाई के साथ आया, हमने कहा स्मॉल आर एक बार कैपिटल वाई के साथ आया, तो आप चाहे ऐसे लिखो या आप कैसे भी लिखो एक ही बात है आप। और इसमें भी फिर यही गैमेट यही बनेंगे, सेम गैमेट बनेंगे ना, कौन कौन से, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, और पहले मैं इसको पहले लिख लेती हूँ, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, ये गैमेट बन गए। तो अब इनको स्क्वायर के फॉर्म में, बेटा स्क्वायर आप बना लेंगे ना, मेरा तो शायद स्क्वायर नहीं बन पाएगा, इसमें एक बड़ा सा आप ऐसे बनाइएगा, जब आप ऐसे बनाएंगे ना तो स्क्वायर बन जाएगा,
तो देखिए अब ये इसमें गैमेट ज़्यादा है ना, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो गैमेट कम थे, मोनो हाइब्रिड में तो हमने चार बॉक्स में ही हमारा हो गया था। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कुछ इस तरीके से आपने करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, बस गैमेट लिखना है। गैमेट क्या क्या बने हैं हमारे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यही तो बने हैं ना। दूसरा ये वाला कुछ भी शो कर सकते हैं आप, गैमेट तो कोई भी आगे पीछे इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैं दिखा दे रही हूँ ये वाला स्मॉल आर, ये वाला दिखा देती हूँ स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। तीसरा मैं दिखा रही हूँ कैपिटल आर स्मॉल वाई, और चौथा मैं दिखा दे रही हूँ स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब जो आपने गैमेट यहाँ शो किए वही गैमेट यहाँ भी होंगे, तो कैपिटल आर, अब लेकिन यहाँ ध्यान देना कि जो आपने यहाँ शो किए वही आप इसी सीरीज में आप इधर करेंगे। कैपिटल आर फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना है इनका क्रॉस, ठीक वैसे ही जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए किया था। क्या करेंगे, क्या बन जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर। अब ये इन इसमें देखिए, बस इस बॉक्स को इस बॉक्स के साथ देखिए, इसके गैमेट क्या बनेंगे, कैपिटल आर बना, दो कैपिटल आर बन गए ना, और एक एक कैपिटल वाई है, दूसरा भी कैपिटल वाई है, तो दो कैपिटल वाई बन गए। अभी सिर्फ गैमेट बनाते हैं, ठीक है। अब इसी का इसके साथ, तो कैपिटल आर है और ये क्या है स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई, ये भी कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे ही कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आया ना इतना समझ में हमने क्या किया था। बस आपको गैमेट बनाने आने चाहिए, अगर आपको गैमेट बनाने आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैमेट बन गए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, ऐसे यहाँ पे भी बने, सेम यही बने हैं, और हमने इन गैमेट को ऐसे शो कर दिया। डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए कर रहे हैं इसलिए ये बड़ा है, अगर मोनो हाइब्रिड के लिए करते तो छोटा होता, जैसे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो एक दो बार इसको देखना ही पड़ेगा आपको, तो फिर बहुत ईजी लगेगा। अब देखिए, अब ये वाली रो तो हो गई ना, अब इस वाले को यहीं से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि ये हो गया, अब इसको छोड़ दो, अब इसको पकड़ो, फिर एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, ठीक है। तो क्या है, स्मॉल आर कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर कैपिटल आर लिखें या कैपिटल आर स्मॉल आर लिखें, एक ही बात तो होगी ना, और कैपिटल वाई है ना। ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड क्या बनाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल वाई, ऐसे तो बन रहा है ना, और ऐसे ही आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब चलिए इनको जानते हैं कि कलर कौन सा और शेप कौन सा ये प्रोवाइड करेंगे। देखो कैपिटल आर कौन से शेप को प्रोवाइड कर रहा था, राउंड को, तो राउंड लिख दीजिए राउंड, और कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, येलो, हो गया राउंड येलो, यानी कि एक राउंड येलो यहां पे बन गया। दूसरा कैपिटल आर स्मॉल आर है, लेकिन कैपिटल आर है साथ में, इट मींस कि क्या होगा, राउंड, कैपिटल वाई है येलो, ये भी राउंड येलो, कैपिटल आर क्या है, राउंड है,
अब एक कैपिटल एक स्मॉल वाई है, लेकिन एक कैपिटल तो है ही है, तो क्या हो जाएगा, येलो। कैपिटल आर है राउंड, कैपिटल वाई है तो येलो। आ रहे हैं ना समझ में, कैपिटल आर है तो राउंड, यहाँ पे भी एक कैप दो कैपिटल वाई है तो राउंड एंड येलो। अब देखो स्मॉल आर, स्मॉल आर है, स्मॉल आर किस चीज के लिए होता है, रिंकल के लिए, तो लिख दीजिए रिंकल्ड। लेकिन कैपिटल वाई है तो रिंकल्ड येलो। कैपिटल आर क्या है, राउंड, और कैपिटल वाई क्या है, येलो, अगेन राउंड येलो हमें मिल गया। अब स्मॉल आर क्या होता है, रिंकल्ड, लेकिन कैपिटल वाई है तो येलो। अब ध्यान देने वाली बात है, राउंड के साथ भी येलो आ पा रहा है और रिंकल के साथ भी येलो आ पा रहा है, क्यों, क्योंकि ये दो अलग अलग कैरेक्टर हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, राउंड येलो, अगेन राउंड येलो, नाउ राउंड एंड स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, तो ये क्या शो करेंगे, ग्रीन। राउंड एक कैपिटल है ना और दोनों स्मॉल है, ग्रीन। राउंड येलो, रिंकल्ड, स्मॉल है ना तो रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन, एंड ये रिंकल्ड और ग्रीन दोनों रेसेसिव है। अब देखो इसमें समझने वाली बात ये है कि जहां जहां पे आपको कैपिटल आर दिखेगा इट मीन्स वो राउंड होगा, जहां जहां पे कैपिटल वाई दिखेगा वो येलो है। तो अब इसमें आपको काउंट करने की, राउंड येलो कितने आए, राउंड येलो कितने आए, एक ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 आए राउंड येलो, तो लिख दीजिए 9। फिनोटिपिक रेशियो इसका निकालते हैं। और दूसरा अब देखते हैं राउंड ग्रीन देखते हैं, ठीक है, राउंड ग्रीन भी कोई आए थे क्या, राउंड ग्रीन 1, राउंड ग्रीन 2, राउंड ग्रीन 3, तो 3 हमें राउंड ग्रीन मिल गए। ठीक है, अब देखते हैं रिंकल्ड, अच्छा राउंड येलो था बेटा, रिंकल्ड येलो अब देखते हैं। ठीक है, रिंकल्ड येलो 1 एंड रिंकल्ड येलो 2, रिंकल्ड येलो 3, 9:3। अब देखते हैं रिंकल्ड ग्रीन कितने आए, सिर्फ 1 है, तो क्या है रेशियो, 9:3:3:1। इट मीन्स कि जब हम F2 जनरेशन में क्रॉस कर रहे हैं, और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे जीनोटिपिक का कम पूछा जाता है, फिनोटिपिक का ही पूछा जाता है, क्योंकि जीनोटिपिक बहुत लंबा जाएगा इसमें जब आप करेंगे, तो फिनोटिपिक रेशियो ही आपसे पूछा जाता है। फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 9:3:3:1 हमारा होता है कब, जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, और मोनो हाइब्रिड में क्या था ये रेशियो, 1:2:1, तो 1:2:1 अगर FN जनरेशन में है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ 9:3:3:1 आया। तो मेंडल ने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि फर्स्ट जनरेशन में भले ही कैरेक्टर नहीं शो होता है एक पेरेंट का, लेकिन वो कैरेक्टर खत्म नहीं हुआ है, वो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में आके शो होता ही होता है, जैसे कि रिंकल ग्रीन वाले केस में हुआ, तो एक रिंकल ग्रीन यहाँ पे को आया ही आया है, ऐसा नहीं है कि कोई। और साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और बताई, इसको ध्यान से सुनना क्योंकि इसी से आगे जाके लॉ बनेगा, इसको एक चीज ध्यान से देखिए, राउंड के साथ येलो है, मतलब कि दोनों डोमिनेंट डोमिनेंट भी साथ है, लेकिन आपने देखा एक डोमिनेंट एक रेसेसिव भी है, देखिए एक रेसेसिव है, रिंकल्ड रेसेसिव है, लेकिन वाई डोमिनेंट है, यहाँ पे येलो है, तो यानी कि डोमिनेंट डोमिनेंट भी साथ आ रहे हैं, रेसेसिव डोमिनेंट भी साथ आ रहे हैं, रेसेसिव रेसेसिव भी साथ आ रहे हैं, तो तीनों ही चीजें, मतलब कि राउंड के साथ येलो आ सकता है, यानी कि एक डोमिनेंट के साथ दूसरे कैरेक्टर का डोमिनेंट आ सकता है, एक रिंकल के साथ, एक कैरेक्टर के रिंकल के साथ दूसरे रिंकल, दूसरा कैरेक्टर का रिंकल भी आ सकता है, और ऐसे ही एक कैरेक्टर के रिंकल के साथ दूसरे का क्या आ सकता है,
डोमिनेंट कैरेक्टर भी आ सकता है ना। तो हमने ऐसा नहीं देखा कि कलर वाले ने या शेप वाले ने इसके, मतलब आपने देखा कि शेप वाला अगर राउंड है तो इसने बिल्कुल ऐसा किया होगा कि राउंड के साथ हमेशा येल्लो ही आएगा, ऐसा हुआ नहीं हुआ। देखो राउंड के साथ ग्रीन भी आया है, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि एक कैरेक्टर ने दूसरे कैरेक्टर के ऊपर कोई इफेक्ट डाला, या एक कैरेक्टर की वजह से दूसरे कैरेक्टर को कोई हार्म हुआ हो, या दूसरे का कैरेक्टर चेंज हो गया हो, ऐसा नहीं हुआ। अगर कैपिटल और आर और स्मॉल आर अगर राउंड होता है तो वो राउंड ही हुआ है, जबकि उसके साथ स्मॉल वाई प्रेजेंट है जो कि ग्रीन कलर का है। ऐसा नहीं हुआ कि इस राउंड ने इस ग्रीन को येलो कर दिया, या इस ग्रीन ने इस राउंड को रिंकल कर दिया। मतलब कि यहां से आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा कि कभी भी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पे इफेक्ट नहीं डालता है। हाँ इफेक्ट तब होता है जब सेम कैरेक्टर की हम बात करते हैं, सेम ट्रेट की हम बात करते हैं। जैसे कि हमने सिर्फ एक ट्रेट की बात करी, किसकी, जैसे इसी में अगर मैं बात करूं राउंड और रिंकल की बात करती हूँ, अगर मैं इसमें देखिए राउंड और रिंकल की अगर मैं बात करती हूँ तो ये राउंड के लिए था, ये रिंकल के लिए था, लेकिन कैरेक्टर एक ही था जिसकी हम बात कर रहे थे, शेप। इसने शेप को जरूर चेंज किया, कैपिटल आर था स्मॉल आर था, तो इसने स्मॉल आर को नहीं शो होने दिया, कैपिटल आर ही इसने शो होने दिया, सिर्फ कैपिटल आर ही इसका शो हुआ ना। लेकिन क्या इसने येल्लो पे इफेक्ट डाला? येल्लो क्या है? कलर। एक शेप है, एक कैरेक्टर शेप है, एक कैरेक्टर यहाँ पे क्या है? कलर है। तो राउंड ने कभी भी इस पे इफेक्ट नहीं डाला है, राउंड ने कभी भी यहाँ इफेक्ट नहीं डाला, रिंकल ने कभी इस पे इफेक्ट नहीं डाला। इसका मतलब ये कि हर एक कैरेक्टर अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है कि वो कौन सा कलर शो करे, कौन सा शेप शो करे, कौन सी पोजीशन में वो हो। कभी भी दूसरा कैरेक्टर उस पे आके अपना इफेक्ट नहीं छोड़ने वाला, या कभी भी दूसरा कैरेक्टर आके उस पे अपना इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, तो ये था मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से, डाई हाइब्रिड क्रॉस से ही निकले हुए लॉ को हम पढ़ेंगे, जिसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट कहते हैं, जो कि मैं थोड़ा बहुत आपको बता चुकी हूँ कि हर एक कैरेक्टर अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, किसी दूसरे कैरेक्टर का हम कह सकते हैं वो मोहताज नहीं होता है, उसको खुद करना है जो करना है। ठीक है, अगर वो शो हो रहा है तो वो अपने जीन की वजह से होगा, नहीं हो रहा है तो अपने जीन की वजह से होगा, लेकिन दूसरा कैरेक्टर कभी उस पर इफेक्ट नहीं डाले। ठीक है, तो ये होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कि कैसे ट्रेट एक्सप्रेस होते हैं, और ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस हम पढ़ेंगे, कैसे मदर फादर का ब्लड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप पता भी लगा सकते हो आपके ब्लड अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली में भी, कि मदर फादर का ब्लड ग्रुप ये है तो बच्चे का क्या होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ये हम पढ़ेंगे। और इवोल्यूशन तो फिर आपका खत्म हो चुका है, डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने, एलिमिनेट कर दिया है, तो उसके बाद हम सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। तो ये सब हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए, और प्लीज़ मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस को 2-3 बार करिए, आपको इतना ईजी लगेगा, जेनेटिक्स आपकी फेवरेट हो जाएगी, बहुत ही अच्छा है ये, बस आप 1-2 बार लेक्चर सुनिए। ओके, ये लेक्चर तो मैंने छोटे छोटे भी बनाए हैं ताकि आपको बड़े में समझने में दिक्कत ना हो, तो ये छोटा सा लेक्चर है इसे तो आप समझ सकते हो, एक ही टॉपिक हमने किया है ना। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस इसको अच्छे से समझिए बेटा, बहुत काम आपका आएगा, एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसे कीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछो, जितना नहीं आ रहा है उतना आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे।